जैसा कि विदित है कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के अनुसार तमाम टीचर्स को ई कंटेंट बनाना है। फलतः इसी का अवलोकन करते हुए जैसा कि UGC के कम्युनिकेशन बाय लेटर नंबर MHRD 1020 डेटेड 21 मार्च 2020 और यूनिवर्सिटी का जो फाइल नंबर है 1 अप्रैल 2020 डेटेड 11 अप्रैल 2020 का गाइडलाइंस है और उसी के आदेशानुसार तमाम टीचर्स को ई कंटेंट बनाना है। बल्कि मैं सुधांशु कुमार आज 16 अप्रैल 2020 को यह ई कंटेंट बना रहा हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के संबद्ध या अंगीभूत कॉलेज मुंशी सिंह कॉलेज मोतिहारी में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मैं यह ई कंटेंट यूनिवर्सिटी के आदेशानुसार और छात्र हित में मैं यह ई कंटेंट बना रहा हूँ। मेरा टॉपिक है भारत में शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का इतिहास। तो हम देखते हैं कि आधुनिक समय में आधुनिक भारत में जो शिक्षा का वृद्धि हुआ वो विकास कैसे कैसे हुआ, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम किया। तो हम देखते हैं कि जब आप मुगल सत्ता की समाप्ति हुआ 1857 में मुगल सत्ता 1857 की क्रांति के बाद 1858 की विक्टोरिया की घोषणा के बाद मुगल सत्ता यहाँ से विधिवत समाप्त हो जाता है और यहाँ की सत्ता कंपनी की सत्ता भी समाप्त होकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला आता है। तो हम ये देखेंगे कि 1857 से पहले शिक्षा का क्या स्थिति था और 1858 जब महारानी विक्टोरिया के बाद महारानी विक्टोरिया का जो सत्ता मिला भारतीय सत्ता उसके बाद हमारा शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1791 में यानी 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जो श्री डंकन थे उनके प्रयत्न से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था। एक छोटा सा प्रयास था और इसी छोटा से प्रयास के द्वारा छोटा चूंकि भारतीयों को थोड़ा बहुत उसके हक की बात किया गया, स्कूल कॉलेज खोल दिया गया, लेकिन जिस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी को एक पढ़े लिखे वर्ग की आवश्यकता था और उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था 1813 के इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया तो 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया। यानी अपने जो बजट पारित किया उस बजट में उन्होंने 1,00,000 रुपये का प्रावधान रखा। क्यों भाई 1,00,000 रुपये का क्यों प्रावधान रखा, क्योंकि उनको एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता था ताकि शासन प्रशासन में उनको सहयोग कर सके, परंतु 1,00,000 रुपया इतनी तुच्छ पैसा था, इतनी कम पैसा था कि इस पैसा को खर्च करना काफी नामुमकिन था। फलतः यह पैसा वैसा का वैसा ही धरा के धरा रह गया, कोई खर्च नहीं कर पाया इस पैसे को। और क्या हुआ, जब विलियम बेंटिक आए भारत के गवर्नर बन के और वो जब भारत के गवर्नर जनरल बने 1833 में, अब देखते हैं कि वो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं तो उस समय उनके दिमाग में आया कि कुछ भारतीयों को ऐसा भारतीय वर्ग तैयार किया जाए जो जन्म से भारतीय हो लेकिन कर्म से अंग्रेज की नीति का अनुसरण करता हो। फलतः उन्होंने क्या किया, एक ऐसे भारतीयों को तैयार करना चाहा जो उसको शासन प्रशासन में सहयोग कर सके। फलतः उन्होंने क्या किए, जो 1,00,000 रुपया का जो बजट तैयार किया गया था उस बजट को खर्च करने का उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं खर्च कर दे। फलतः इसके लिए उन्होंने क्या किया, विलियम बेंटिक ने क्या किया कि भाई 1,00,000 रुपया खर्च करने का प्रावधान किए उन्होंने, लेकिन समस्या यहाँ ये खड़ा हो गया कि 1,00,000 रुपया खर्च कैसे किया जाएगा, इस पैसा को खर्च कैसे करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किए, आपको चूंकि यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि प्राचीन जो हमारा प्राच्य शिक्षा है उसमें दिया जाए शिक्षा, जो कुछ लोगों का विचार था कि भाई ये जो शिक्षा है वो आपको अंग्रेजी माध्यम में दिया जाए, ये विवाद का विषय बन गया। जैसे ब्रिटिश ही थे विल्सन और प्रिंसेप, उनका मत था कि जो भारतीय शिक्षा है
प्राची विद्या है यहाँ का, उसमें शिक्षा दिया जाए। लेकिन जो ट्रेवेलियंस थे अंग्रेज, उनका मत था कि भारतीयों का जो शिक्षा है उसको अंग्रेजी माध्यम से आंग्ल विद्या दिया जाए उसको। यह विवाद फंस गया, क्योंकि ट्रेवेलियन का समर्थन हमारे जो राजा राम मोहन राय समाज सुधारक, ब्रह्म समाज के संस्थापक, उन्होंने भी ट्रेवेलियन का सपोर्ट किया। लेकिन जिस प्रकार से यह विवाद उभरता जा रहा था, एक समस्या का रूप ले रहा था। फलतः लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, उन्होंने क्या किया, मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दिया, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे उन्होंने सोचा कि कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को मैकाले कमेटी का गठन किया गया, और बहुत जल्द यानी एक महीना में, यानी मार्च 1835 में मैकाले ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। यह रिपोर्ट 1835 में, जैसे ही रिपोर्ट मार्च 1835 में प्रस्तुत हुआ, तो उन्होंने अपना तर्क दिया कि जो पाश्चात्य शिक्षा है उस पाश्चात्य शिक्षा है जो यूरोप के एक अलमारी का एक पुस्तक एशिया और अफ्रीका के तमाम लाइब्रेरी के बराबर उसकी क्वालिटी है, इस प्रकार का उन्होंने तर्क दिया। फलतः इसी के रिकमेंडेशन के आधार पे भारत में मैकाले शिक्षा पद्धति को अपनाया गया, यानी आंग्ल विद्या को अपनाया गया। अब कहा गया कि ऊपरी लेवल पे आंग्ल विद्या का व्यवस्था किया जाए, और समस्या यहाँ ये खड़ा हो गया कि अब तो शिक्षा भाई क्लियर हो गया कि आंग्ल विद्या में दिया जाएगा, अंग्रेजी पद्धति से दिया जाएगा, पाश्चात्य देशों की शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन दिया कैसे जाएगा, किसको शिक्षित किया जाएगा, समस्या खड़ा हो गया। इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम था इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, विप्रवेशन का सिद्धांत। विप्रवेशन का सिद्धांत का मतलब होता है पहले ऊपर के लोगों को शिक्षा दो, और वही लोग क्या करेंगे, धीरे 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 नीचे के लोगों को शिक्षा देते जाएंगे, यानी छन छन कर शिक्षा जाएगा। यानी सबसे पहले ऊपर के लोगों को देना है, फिर उससे ऊपर के बाद नीचे आएंगे, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, इस प्रकार से तमाम लोग शिक्षित होंगे। मात्र 1,00,000 रुपया खर्च करना है, और वो भी मतलब छन छन कर नीचे आएंगे। इतनी आबादी में इतना कम बजट, कितने वर्षों लग जाएंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार से भारत में शिक्षा का थोड़ा बहुत अलग जगह इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत अपनाया गया। लेकिन ये जिस प्रकार से शिक्षा था वो निश्चित रूप से एक विवाद का विषय वस्तु था। इतनी जनसंख्या रहते हुए भी भारत को अशिक्षित के कगार पे रखा गया। अब देखते हैं कि इस दिशा में और आगे क्या प्रयास किया गया। तो हम देखते हैं कि 1854 में शिक्षा का चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुआ 1854 में, और इसी इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पे शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा सकता है, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वुड ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया, जो वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, सर चार्ल्स वुड। तो हम देखते हैं कि सर चार्ल्स वुड का जो रिकमेंडेशन था, जिसको भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, किसको, अगर पूछा जाएगा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो सर चार्ल्स वुड के जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया, जो उन्होंने सर वुड डिस्पैच था, वही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा है। हम देखते हैं कि इस वुड डिस्पैच में जो इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, इसके कई रूपरेखा थे। जैसे उन्होंने कहा, जो प्राथमिक स्तर पर है, प्राथमिक पाठशाला है, और जो जिला स्तर है और हाई स्कूल है, उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्तर है उस पे जो है आपको लोकल भाषा में, जो हमारा मातृभाषा है, उसमें शिक्षा दिया जाए। लेकिन जब जिला स्तर पे एंग्लो वर्ना क्यूलर स्कूल खोला जाए, एंग्लो वर्ना क्यूलर स्कूल खोला जाए जिला स्तर पे, और संबंधित कॉलेज भी खोला जाए, और इसका सबसे जो बड़ा बात था, इन्होंने कहा कि लंदन के तर्ज पे, लंदन के तर्ज पे क्या करना है, तो आपको लंदन के तर्ज पे इन्होंने बोला कि तीनों प्रेसिडेंसी में, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल,
मद्रास और बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसी में लंदन के तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, तो इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर आप देखते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी आया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी आया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आया, इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर। तो तीनों प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, लंदन के तर्ज पे हुआ। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उस पे ध्यान दिया जाए, और तकनीकी जो टेक्निकल शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, उस पे ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, आपको मैं पहले भी बताया था जब सामाजिक धार्मिक सुधार मूवमेंट में पिछले टॉपिक में जो पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि विवेकानंद का थॉट था कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और इस संदर्भ में साउथ में आप देखे थे डीके कर्वे ने भी महिला शिक्षा पे जोर दिया था, और उन्होंने महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया था। तो फलता इन्होंने भी, किसने, वो डिस्पैच ने भी अपने थ्योरी में कहा है, अपना जो रिकमेंडेशन दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिला शिक्षा पे जोर दिया जाए। लेकिन महिला शिक्षा पे क्या बजट हो इसका कोई नहीं प्रावधान किया उन्होंने, सिर्फ इतना कहा कि महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए। और इसी समय हम देखते हैं कि उस शिक्षा का जो भाषा है वो बोला कि अंग्रेजी होना चाहिए, और प्राथमिक स्तर पर देशीय भाषा में शिक्षा दिया जाए। और कहा कि भाई पैसे की व्यवस्था कैसे होगा, तो बोला कि निजी अनुदान की भी व्यवस्था किया जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा उस डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक मैग्ना कार्टा का रूप देखा जा सकता है। भारत में जो विश्वविद्यालय की का जो रूप रेखा देखते हैं वो निश्चित रूप से हम इससे प्रभावित हुए। अब आगे हम देखते हैं कि जो उस डिस्पैच आया था तो उस डिस्पैच का अवलोकन करने के लिए आखिर उस डिस्पैच ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया उसमें शैक्षणिक व्यवस्था में क्या सुधार हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। तो इस शैक्षणिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, क्या सुधार हुआ, इसके लिए 1882 में आप देखते हैं हंटर शिक्षा आयोग आया। हंटर शिक्षा आयोग आया और इसी हंटर शिक्षा के उन्होंने क्या किया, उस डिस्पैच का अवलोकन किया और फिर अपना एक रिकमेंडेशन सौंपा। तो इन्होंने देखा कि भाई ये जो प्राथमिक शिक्षा है उस प्राथमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, और बोला कि जो प्राथमिक शिक्षा है इस प्राथमिक शिक्षा में देशीय भाषा पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है ताकि लोग अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो पाएंगे। और उन्होंने कहा कि जिला स्तर पे और ये जो नगर है उसमें भी आपको क्या कहते हैं शिक्षा का विकास हो, इस पे उन्होंने बल देने का कार्य किए। और सबसे बड़ी बात जो था हंटर कमेटी का वो ये था कि उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि ये जो माध्यमिक शिक्षा है उस माध्यमिक शिक्षा में क्या करना है कि एक क्या करना है कि एक साहित्यिक शिक्षा दीजिए और दूसरा क्या कीजिए व्यावसायिक शिक्षा दीजिए। यानी माध्यमिक शिक्षा में क्या करना है, साहित्यिक शिक्षा यानी एकेडमिक शिक्षा, यानी उसी लोग को आगे बढ़ने देना है जिसमें टैलेंट हो उसको यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, लेकिन जो लोग टैलेंट नहीं है उसको व्यावसायिक शिक्षा दे के माध्यमिक स्तर पे उसको रोजी रोजगार में उन्मुख कर दिया जाए। इस प्रकार का शिक्षा का प्रावधान हंटर कमेटी ने किए। और आपको मैं पहले भी बता दिया हूं क्योंकि जिस प्रकार से उड का जो शिक्षा नीति आया था उसी प्रकार से हंटर कमेटी ने भी कहा था कि अगर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है, और उन्होंने महिला शिक्षा पर काफी जोर दिया। अब देखते हैं हंटर कमेटी का जो रिकमेंडेशन आया उसके बाद क्या हुआ कि भारत में शिक्षा में सुधार करने के लिए 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया। उन्होंने सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में, इसका काम क्या था सर टॉमस रैले का, तो सर टॉमस रैले का काम था कि जो भारतीय विश्वविद्यालय है
उस भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना था। तो इन्होंने 1904 ईस्वी में अपना रिकमेंडेशन दिया, अपना सुधार दिया। इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर आपको विश्वविद्यालय में कुछ नियम कानून देखे जा सकते हैं। और इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो विश्वविद्यालय है उसमें करना क्या है, तो सरकार का नियंत्रण बढ़ा देना है। आपको पता होगा, आपको जानकारी है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था करजन के समय में। तो करजन के समय में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय सबसे बड़ा समस्या था वो ये था कि विश्वविद्यालय में ही सरकार के खिलाफ आवाज उठते थे। फलतः अब यहाँ समस्या वो खड़ा हो गया था कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि उस चूंकि बंगाल विभाजन तो करना था, तो कहीं ना कहीं आवाज को दबाना भी था। अगर आवाज को अभी दबा नहीं देंगे तो फिर समस्या खड़ा हो सकता था। तो इसीलिए इस आवाज को दबाने के लिए पहले ही एक कमिटी गठित कर दिया ताकि आवाज को दबाया जा सके। फलतः इसका जो रिकमेंडेशन है वो देखते हैं कि सरकार का नियंत्रण काफी बढ़ा दिया गया विश्वविद्यालय पर। और जो वीटो का पावर है, यानी सीनेट से जो कोई भी बिल पारित होगा, उस पारित बिल के खिलाफ भी विशेष अधिकार दिया गया, यानी वीटो दिया गया। किसको? सरकार को दिया। यानी सरकार कोई भी प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। और इसी प्रकार से जो अशासकीय कॉलेज थे उस पे भी काफी नियंत्रण बढ़ा दिया। और कोई भी कॉलेज का परमिशन लेना है, यानी उसका एफिलिएशन लेना है, तो एफिलिएशन के शर्तें काफी कड़ी कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात आप देखते हैं कि इतना नियंत्रण तो बढ़ा दिया, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि जो व्याख्याता की नियुक्ति करना है, रिसर्च काम करना है, और शिक्षा में जो खर्च होगा, बोला कि अपने स्तर से व्यवस्था कीजिए, सारा चीज अपने कीजिए, लेकिन नियंत्रण मेरे अधीन होगा। इस प्रकार की समस्या खड़ा करने का काम ये आयोग ने किया। ठीक इस प्रकार से हम देखते हैं, आपको पता होगा कि कुछ बड़ौदा जैसे देसी रियासत था उस समय। तो 1906 में बड़ौदा जैसे देसी रियासत, जो प्रगतिशील रियासत था, उन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बना दिया। आप देखते हैं हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, आर्टिकल 21 का सब क्लाउज ए क्या कर रहा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और आर्टिकल 45 में भी आप देखते हैं। तो ये कार्य तो हमारे बड़ौदा देसी रियासत, उन्होंने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का काम शुरू कर चुका था। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि शिक्षा के दिशा में एक और कमिटी गठित हुआ, सैडलर कमिटी। 1917 में आया आपको सैडलर कमिटी। यह कमिटी कलकत्ता विश्वविद्यालय पर अध्ययन करना था और उसको रिकमेंडेशन देना था। और सबसे बड़ी जो बात था, इसके सदस्य के रूप में, यानी सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो गठित हुआ, इसके सदस्य के रूप में जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी, दो भारतीय भी शामिल थे। आप देखें कि पहली बार किसी भारतीय को शिक्षा के संदर्भ में उसको शामिल करने का काम किया। तो इसका जो मुख्य काम था, प्राथमिक स्तर से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बोला कि स्कूली शिक्षा जो होनी चाहिए वो 12 वर्ष तक होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप देखते हैं कि इंटरमीडिएट, जो आप 10+2 जिसको कहते हैं, यानी हाई स्कूल के बाद जो डायरेक्ट पहले यूनिवर्सिटी में प्रवेश होता था, उस पे रोक लगा दिया गया। कहा कि 2 वर्ष का और अध्ययन करना होगा, यानी इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगा। उत्तर माध्यमिक इंटरमीडिएट की व्यवस्था का जो रिकमेंडेशन का प्रस्ताव सब सैडलर आयोग ने किया, कहा कि इंटरमीडिएट का पढ़ाई लगाइए, इसके बाद यूनिवर्सिटी में भेजिए। तो यह प्रस्ताव सैडलर कमिटी के द्वारा दिया गया।
और कहा गया कि स्नातक स्तर की जो पढ़ाई होगा वो 3 वर्ष तक की होना चाहिए। और इतना ही नहीं, बोला कि जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो एकाकी, यानी एकाकी एकाकी आवासीय अध्यापन और स्वायत्त पूर्ण विश्वविद्यालय बनने चाहिए। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, ढाका यूनिवर्सिटी बना। और इतना ही नहीं, आजकल हम देखते हैं कि ऑनर्स क्या हो, तो स्नातक ऑनर्स है, प्रतिष्ठा है, पास कोर्स में है, बीए पास। तो इसका रिकमेंडेशन किसने दिया? कहा कि जो मेधावी छात्र है वो ऑनर्स करेंगे, जो कमजोर टाइप के हैं वो बीए पास। दो प्रकार का सिस्टम बनाया गया, एक स्नातक ऑनर्स और एक स्नातक सीधे पास कोर्स, इस प्रकार का व्यवस्था। और महिला शिक्षा पे भी जोर देने का कार्य किए। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे खास करके विशेष उन्होंने अपना प्रस्ताव दिए। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि 1929 में आपको हार्टोग शिक्षा नीति आता है, हार्टोग शिक्षा नीति, जो फिलिप हार्टोग इसके अध्यक्ष थे। और फिलिप हार्टोग ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया, वो रिकमेंडेशन था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित होना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व पर ज्यादा बल दिया जाए। और वर्नाकुलर स्कूल जो आप देखते हैं कि उड डिस्पैच में आया था, वर्नाकुलर एंग्लो स्कूल की स्थापना आपको जिला स्तर पे वो था, उसमें उन्होंने कहा वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना किया जाए। और बोला कि आपको मैं पहले ही बता दिया था कि हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट किया था, जो उनका सुझाव था हंटर कमेटी का, कि माध्यमिक शिक्षा के बाद एक साहित्यिक क्षेत्र में जो जाना चाहेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और एक को उसको व्यवसायिक वहीं पे रोक दिया जाए, प्रोफेशनल डिग्री दे दिया जाए ताकि रोजी रोजगार में वो लोग आगे बढ़ सके। लेकिन अब ये क्या करता है हार्टोग कमेटी, कहा नहीं माध्यमिक शिक्षा के बाद नहीं, मिडिल मध्य विद्यालय के शिक्षा के उपरांत ही एक को आगे विद्या विषयक यानी एकेडमिक के लिए उनको आगे कीजिए, और दूसरा यहीं से व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत कीजिए ताकि लोगों को रोजी रोजगार यहीं से अपना रोजी रोजगार में लग जाए। इस प्रकार का हार्टोग कमेटी का योजना था। फिर आप देखते हैं शिक्षा का वर्धा योजना, जिसको मूल योजना भी कहते हैं। और 1937 के लेख में, यानी हरिजन एक पत्रिका है महात्मा गांधी, उसके लेख में भी ये वर्धा योजना प्रकाशित होता है। तो यह जो शिक्षा था वर्धा शिक्षा, ये गांधी जी की मस्तिष्क का उपज था। उन्होंने एक नई योजना लाया जो वर्धा योजना के नाम से पॉपुलर हुआ, और इसके लिए उन्होंने जाकिर हुसैन समिति गठित की। जाकिर हुसैन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुआ, इन्होंने जो योजना प्रस्तुत किया वही वर्धा योजना के नाम से पॉपुलर हुआ। तो हम देखते हैं कि यह योजना क्या था, चूंकि गांधी जी का सिद्धांत था हस्त उत्पादन, हाथ से उत्पादन कार्य पर बल दिया गया, क्योंकि उनका काम था कार्य करो और उस कार्य से आपको अपना भी खर्च निकल जाएंगे और आपके अध्यापक के भी खर्च निकलेंगे। हस्त करघा उद्योग जिसको कहते हैं, यानी उत्पादन कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, रचनात्मक शिक्षा जिसको कह सकते हैं। इस प्रकार का योजना गांधी जी की मस्तिष्क का उपज था, और जाकिर हुसैन हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी गठित किया गया, और इसी कमेटी के आधार पर आपको वर्धा योजना आया। परंतु यह योजना खटाई में पड़ गई, सफल नहीं हो पाया। और 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो थोड़ा बहुत इस योजना पे काम किया गया। ठीक उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि शिक्षा का सार्जेंट योजना, यह योजना 1944 में आया, सर सार्जेंट की अध्यक्षता में कमेटी गठित किया गया था। आजादी से पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंतिम योजना जिसको कहा जाए सार्जेंट योजना। उन्होंने कहा अपने रिकमेंडेशन में कि 11 वर्ष तक के बच्चों को व्यापक और निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पहला ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय के पहला ये योजना है जिसमें कहा गया था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कहा गया।
और इसके अतिरिक्त बोला 11 से 17 वर्ष तक के लिए 6 वर्ष तक का अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और यहाँ उन्होंने यहाँ भी स्पष्ट कर दिया कि उच्च शिक्षा जो है, उच्च विद्यालय दो प्रकार के होने चाहिए, एक विद्या विषयक जिसको एकेडमिक कहते हैं और दूसरा प्रौविधिक या व्यावसायिक शिक्षा। इसमें भी इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और इन्होंने बोला कि उत्तर माध्यमिक समाप्त कर दीजिए, यानी क्या इंटरमीडिएट को समाप्त कर दिया जाए। और इस प्रकार का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। हालांकि इंटरमीडिएट तो अब तक चल रहा है और ना ही समाप्त किया गया है, और आगे भी सरकार जो नई नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें देखने का बात होगा कि आगे क्या होता है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में सुधार के लिए एक आता है राधाकृष्णन आयोग। चूंकि विश्वविद्यालय का जो शिक्षा है उसमें सुधार के लिए यही आयोग का गठित हुआ, राधाकृष्णन आयोग, जो 1948 में गठित हुआ और 1949 में अपना रिकमेंडेशन दी। इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में आए। हम देखते हैं कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसकी मुख्य बातें को देखते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश से पूर्व 12 वर्षों का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए और यूनिवर्सिटी में एकेडमिक यानी परीक्षा दिनों के अतिरिक्त 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, देश के जितने भी यूनिवर्सिटी स्थापित हुए हैं सबका शिक्षा एक समान कर दिया जाए। दूसरी बात कि जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में, अभी देखते हैं हमारा शिक्षा व्यवस्था समवर्ती सूची में ही है, वो कहीं ना कहीं राधाकृष्णन आयोग से प्रभावित होकर शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में कोठारी शिक्षा आयोग आया जो 1964 में गठित हुआ, 66 में रिकमेंडेशन दिया। और जो भी शिक्षा आया, जैसे कोठारी शिक्षा हुआ, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 हुआ, नवीन शिक्षा नीति 1986, फिर 2002 में, और अब भारत सरकार पुनः एक नई शिक्षा नीति ला रही है। इस प्रकार से समय समय पर शिक्षा नीति लाया ताकि भारत में आपको शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सके, शिक्षा में मौलिक बदलाव हो सके, इसीलिए नई शिक्षा नीति समय समय पर आया गया। और नवीन शिक्षा नीति का मेन मकसद यही था कि 100% लोगों को साक्षरता पहुंचाया जाए, साक्षर किया जाए लोगों को। जैसे कि वर्तमान समय में भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% लोग साक्षर हैं। इसको और ज्यादा शिक्षित करने का लक्ष्य भारत सरकार समय समय पर करते रहे हैं। इस प्रकार से आज मैंने शिक्षा व्यवस्था पे टॉपिक बनाया हूँ ताकि हमारे मुंशी सिंह कॉलेज मोतिहारी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और तमाम जो छात्र शिक्षा का इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के छात्र छात्राओं को लाभान्वित हो सके। थैंक यू।